हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो आज हम बनाएंगे अनरसे। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इंस्टेंट अनरसे बनाने के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/3 कप पिसी हुई चीनी। जितनी पिसी हुई चीनी लेंगे उसका 3 गुना चावल का आटा लेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 कप चावल का आटा। अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1 टेबलस्पून घी। आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर घी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1-1 टेबलस्पून करके दूध डालना स्टार्ट करेंगे और मिक्स करेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें पिसी हुई चीनी भी डली हुई है और अभी वो भी पानी छोड़ेगी। अगर हम एक साथ ज़्यादा सा दूध डाल देंगे और फिर पिसी हुई चीनी भी पानी छोड़ेगी तो ऐसा ना हो कि हमारा पूरा मटेरियल ज़्यादा गीला हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। लीजिए 1 टेबलस्पून दूध और डाल दिया है और यहाँ पे आटा एक साथ इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अब हम 1 टेबलस्पून दूध और डाल देंगे। इस पूरे आटे को मारने में हमने करीबन 6 टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल किया है। अनरसे बनाने की ट्रेडिशनल रेसिपी अच्छी खासी लंबी है। इसको बनाने में 2 से 3 दिन लगते हैं, मगर ये खाने में इतने ज़्यादा डिलिशियस होते हैं कि इसकी एक इंस्टेंट रेसिपी तो होनी ही चाहिए। तो इसलिए आज मैं आप सभी के लिए ये इंस्टेंट रेसिपी लेके आई हूँ। इससे आप जब चाहें तब अनरसे बना सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं। वैसे मोस्टली अनरसे दिवाली की एक स्पेशल मिठाई है, मगर यहाँ हमारे लखनऊ में सावन में ही अनरसे मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर चाहे वो बड़ी सी बड़ी दुकान हो या कोई सिंपल सा ठेले वाला हो, अनरसे आपको हर जगह मिलेंगे। और ये जब हमारा आटा इस तरीके का हो जाएगा तब हम इसको ढक करके 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा चावल अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। और 20 मिनट बाद चावल का आटा अच्छे से फूल गया है और ये हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। तो हम एक बार इसको इस तरीके से मसल लेंगे और अब हम इसके अनरसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक प्लेट में थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे। वैसे अगर आप चाहें तो पोस्तेदाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनरसे चपटे भी बनते हैं और गोल भी, तो आज हम दोनों ही तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए हम हाथों में थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे ताकि इन्हें रोल करने में आसानी हो। और अब हम थोड़ी सी लोई लेंगे इस आटे की और अब हम इसको अपने हाथों के बीच में रख के इस तरीके से गोल कर लेंगे। फिर हम इसको हल्का सा दबा देंगे तो ये चपटे हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। और अब हम इसकी एक तरफ पे तिल लगा देंगे और हल्का सा इसको दबा देंगे ताकि सारे तिल इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। बाकी के अनरसे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और ये हमारे सभी अनरसे बनके तैयार हैं, चपटे भी और गोल भी। तो चलिए इन्हें फ्राई करने स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लेंगे और इसको बिल्कुल मीडियम गर्म करेंगे। अब हम इसमें धीरे से अपने अनरसे छोड़ने शुरू कर देंगे। इन अनरसों को बिल्कुल मीडियम गर्म घी या तेल में धीरे धीरे फ्राई करना होता है, तभी इनका असली स्वाद निखर के बाहर आता है। जब अनरसे एक तरफ से हल्के से सिक जाएंगे तभी हम इनको बिल्कुल हल्के हाथों से पलट देंगे। और ये हमारे अनरसे बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास सिक कर तैयार है। तो अब हम इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के अंदर से भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे, वेंसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ईट फ्रेश एंड एंजॉय।